स्टार्ट हमने जोडिया के 12 पार्ट्स किए, तो इसमें ईच पार्ट इज ऑफ 30 डिग्री और ये जनरल चार्ट है। जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारा बेसिक चार्ट है, ये बहुत एक जनरल चार्ट है, इट्स नॉट ए स्पेसिफिक चार्ट एक्चुअली। और जितने भी जो डिविजनल चार्ट को हम इंडिकेट करते हैं, जैसे हमने राशि का एक पार्ट, एक राशि तो D1 हो गया, राशि के दो पार्ट किए तो D2 हो गया, राशि के तीन पार्ट किए तो D3 हो गया। तो ये इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन प्लेस ऑफ कॉलिंग द नेम D1 D2 D3 इस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो अपने आप ही राशि के इतने पार्ट है। अब सेकेंड चार्ट है कि हमने राशि को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट इज ऑफ 15 डिग्री और हम कह सकते हैं कि जोडियक को नाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स, 12 की जगह 24 हो गए और इस चार्ट का नाम होरा चार्ट होता है, होरा चार्ट, या इसको हम D2 चार्ट कहते हैं। और ये चार्ट है स्पेसिफिक वेल्थ के बारे में एग्जामिन करने के लिए, वेल्थ के बारे में एग्जामिन करने के लिए। अब जब क्वेश्चन वेल्थ का आएगा तो कौन सा हाउस हुआ, सेकंड हाउस और उसका जो कारक है वो जुपिटर। हम सेकंड हाउस को एग्जामिन करेंगे या जो भी हम लोगों ने देखा भी था कि और भी हाउसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सारा बट मेनली जो है सेकंड हाउस रहेगा, कारक उसका जुपिटर रहेगा और जो भी योग वगैरह है तो उसके बारे में एक असेस करके वी हैव एन आइडिया कि इस व्यक्ति के पास कितनी वेल्थ हो, फिर हम उसको पूरा चार्ट से देखेंगे, कंफर्म करेंगे। और इसमें यह है कि वेल्थ के बारे में डिटेल क्या हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है जब उनको पैसा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत नहीं करते ज्यादा, या कभी कभी बिल्कुल मेहनत नहीं करते फिर भी उनके पास बहुत पैसा होता है। तो ये एक वेल्थ का एस्पेक्ट है, कौन से व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, कौन से व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये होता है कि कभी कभी आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वेल्थ अपने आप आपके पास आने लगती है विदाउट मच एफर्ट्स। जो भी आपके पुराने पैसा वैसा अटका हुआ है कहीं भी, या आप बिजनेस में हैं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको सडनली मिलना शुरू हो जाते हैं और लगता है कि सडनली सब काम अपने आप हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि उसी पैसे को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद काम होते हैं आपके। तो ये भी कि किस टाइम आपको पैसा आसानी से मिलेगा या किस टाइम आपको उसी पैसे को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो एस्पेक्ट हैं अबाउट द वेल्थ, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम द होरा चार्ट। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हर डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का तरीका अलग होता है और डिविजनल चार्ट्स आर नॉट एग्जामिन लाइक ए नॉर्मल लग्ना चार्ट। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही तरीका है, हर डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का तरीका भी अलग अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से उसको एग्जामिन किया जाता है। तो वो हम देखेंगे मेन मेन चार्ट्स में कि किस तरह से हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो उसके बाद हम राशि को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट इज ऑफ 10 डिग्री और हम कह सकते हैं कि हमने जोडिया को 36 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। 36 इक्वल पार्ट में हमने जोड़िया को डिवाइड किया और इस चार्ट को हम D3 कहते हैं या दृष्टांश चार्ट बोलते हैं हिंदी में, या डिकेंटे इंग्लिश में बोलते हैं दृष्टांश चार्ट एक्चुअली। और दृष्टांश चार्ट से हम जो बेसिक चार्ट है ये हैप्पीनेस फ्रॉम द यंगर कोबॉर्न, छोटे भाई बहनों का सुख और जो आदमी के अंदर इनिशिएटिव होता है उसको भी हम एग्जामिन करते हैं इससे, छोटे भाई बहनों का सुख और इनिशिएटिव इन नेटिव एक्चुअली। तो जब हम छोटे भाई बहनों के सुख की बात करेंगे या इनिशिएटिव की बात करेंगे तो कौन सा हाउस इम्पोर्टेंट हो जाएगा, थर्ड हाउस। और उसका जो सिग्निफिकेट है मार्स है, थर्ड हाउस को हम एग्जामिन करेंगे। और हम छोटे भाई बहनों के सुख की बात कर रहे हैं, उसका कारक मरकरी नहीं है, मर्करी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है या ट्रेवल का भी होता है, बट क्योंकि हम इस चार्ट से हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर कोबॉर्न एंड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई कारक विल बी मार्स नॉट मर्करी। तो हम इस चार्ट से छोटे भाई बहनों का सुख, छोटे भाई बहन कब होंगे, मेल
होगा, फीमेल होगा, भाई होगा, बहन होगी, ट्विंस तो नहीं है। तो जो भी ये भाई बहनों के सुख के बारे में बात होती है वो हम इस चार्ट, और इस चार्ट का हम इस्तेमाल और भी बहुत जगह करते हैं। आप ये भी देखेंगे जब हम पररी यूज करते हैं, नेक्स्ट उसमें आप पढ़ेंगे क्लास में कि प्रश्न लग्न जिसको हम बोलते हैं या हॉररी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, कि कोई जब प्रश्न पूछता है आपसे तो उसका हम जवाब देते हैं। तो जब ये क्वेश्चन होता है अबाउट द लॉस्ट आर्टिकल या चोरी का जब प्रश्न होता है, तो कई बार देखा होगा आपने कि जब हम किसी भी हमारे यहाँ कोई चोरी होती है या कुछ चीज खो जाती है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि चोरी हो गई, तो वो आपको एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है, एक किसी भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं आपके यहाँ, इस रंग का हो, ऐसे कपड़े पहनता हो, ऐसा उसका नेचर हो, तो ऐसा कोई आदमी तो नहीं है आपके यहाँ, और वो ही आदमी इन्वॉल्व होगा चोरी के अंदर जो है। तो कभी कभी आप सोचते हैं कि कैसे बता देता है वो, तो दैट दे टेक द हेल्प ऑफ दिस दृष्टांश चार्ट। और क्योंकि 36 दृष्टांश होते हैं एक हॉरोस्कोप में, तो हर दृष्टांश जो है इट डिस्क्राइब्स अ सर्टेन पर्सन एक्चुअली, मेल फीमेल एंड ऑल द क्वालिटीज आल्सो। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर जो दृष्टांश है तो एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है, एक फॉर्म ऑफ द पर्सन को डिस्क्राइब करता है। जब भी चोरी होती है, जब आप प्रश्न पूछने जाते हैं तो उस टाइम का वो चार्ट बनाता है, तो उसमें देखता है कि जो दृष्टांश चार्ट में कौन सा दृष्टांश राइज कर रहा है, और उसके हिसाब से वो आपको डिस्क्राइब कर देता है कि ये पर्सन जो है वो थेफ्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। तो हॉररी एस्ट्रोलॉजी में इसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं चोरी के प्रश्न में, और इसका एक व्यक्ति के नेचर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि जो आदमी का जो नेचर है वो, जैसे कहते हैं ना डिवाइन डेमन एंड ह्यूमन, किस टाइप का नेचर है वो भी हम एग्जामिन करते हैं। और भी जैसे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या कई बार जैसे हम कोर्ट वोर्ट केस में जाते हैं, केस फाइल करते हैं, या किसी केस का वर्डिक्ट आता है तो उसका आंसर देने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं बीमारी में भी, जब हम कोई डिसीज वगैरह के क्वेश्चन जब एग्जामिन करेंगे तो इसमें हम वी कैन एग्जैक्टली लोकेट द पार्ट ऑफ द बॉडी कि किस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जैक्टली आपकी राइट फिंगर में होगा, लेफ्ट फिंगर में होगा, राइट आई में होगा, लेफ्ट आई में होगा, या एग्जैक्टली किस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम होगी, तो वो भी हम जो दृष्टांत चार्ट से एग्जामिन करते हैं। तो इसका बहुत सारे इस्तेमाल है, और जैसे मैंने कहा कि खास तौर से ये तो है, ये हैप्पीनेस फ्रॉम एंगल कोबन, बट हॉररी एस्ट्रोलॉजी में और बीमारी में भी इस चार्ट का काफी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने राशि को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और हमने जोडियक को 48 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 48 पार्ट्स में। तो इसको हम कहते हैं चतुर्थांश और तुर्यांश, चतुर्थांश और तुर्यांश चार्ट। और बेसिकली ये फॉर्च्यून के लिए या नेट एसेट्स के लिए इसका हम बहुत कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं इस चार्ट का। बट जब फॉर्च्यून की बात कर रहे हैं तो 9th हाउस है, जुपिटर है, उसको हम कंसिडर करेंगे, और साथ में इसको भी हम एग्जामिन करेंगे चतुर्थांश चार्ट को जो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने राशि के 48 पार्ट्स कर दिए जोडियक के जो है। और कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया था कि एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड 13th साइन ऑफ द जोडियक एंड देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी हैज टोटली फेल्ड नाउ, कि 12 की जगह 13 साइन है। तो उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि हम 12 13 के ऊपर विश्वास नहीं करते, वी डिफाइंड द जोडियक इनटू थाउजेंड्स ऑफ पार्ट। हम तो जब प्रिडिक्शन करते हैं, और 12 13 से हमारा कोई मतलब नहीं है, वी गो अप टू 1000th पार्ट ऑफ द जोडियक। जैसे अभी देखा हमने चतुर्थांश में भी हमने 48 पार्ट्स कर लिए, तो 12 13 से तो बहुत दूर चले गए। फिर हमने राशि के 7 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, राशि को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड 8.57 सेकेंड। एक्चुअली इसको हम D7 चार्ट बोलते हैं, या सप्तांश चार्ट हम बोलते हैं, और ये बेसिकली हम संतान और संतान का सुख, प्रोजेनी एंड हैप्पीनेस देयर फ्रॉम, उसके लिए हम इसको एग्जामिन करेंगे। तो जब प्रोजेनी की हम बात करते हैं तो 5th हाउस
कारक इज जुपिटर, तो फिफ्थ हाउस को एग्जामिन करेंगे, जुपिटर को एग्जामिन करेंगे, और साथ में जो भी प्रोजेनी से कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जो भी डिटेल है उसका हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सप्तांग चार्ट। प्रोजेनी से कनेक्टेड क्या क्वेश्चन होते हैं, जब भी कोई आपके पास आते हैं लोग, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? मेल और फीमेल सर, मेल चाइल्ड और फीमेल, यही प्रश्न पूछता है सब लोग। आई थिंक कब होगा या नहीं, प्रश्न कब होगा, होगा या नहीं, नहीं सही बोल रहे हैं, कॉमन है क्वेश्चन ये सर। पहले तो आपने देख लिया कि संतान होगी या ना होगी, जब भी हम डिविजनल चार्ट पे जाएंगे वो तो हमने फिफ्थ हाउस से एग्जामिन कर लिया कि संतान का सुख है, वो तो हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि संतान के बारे में लोग डिटेल जब बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? हमारे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारे लिए अच्छा रहेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, ऐसे सवाल पूछते हैं सर। नहीं, इसका एजुकेशन कैसे, किस लेवल में जाएगा बच्चा, उसका फ्यूचर कैसा है, नेम फेम, सब कुछ पूछना चाहते हैं सर, सब कुछ। ये जो संतान है ये हमें सिर्फ ये बताता है कि हमें संतान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका पढ़ाई लिखाई से नेम फेम से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े लोग हैं वो सुख नहीं देते वो बच्चे जो है, तो बेसिक का पर्पज ये है कि संतान का सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, नथिंग टू डू विद कि उसका करियर क्या रहेगा, उसको फेम मिलेगा नेम मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता इसका, जो ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। आज के टाइम में भी सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है एंड यू विल एक्सपीरियंस की जो पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस व्यक्ति को लड़के का सुख है या नहीं, मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है। इनवेरिएबली किसी भी स्टेटस का कोई व्यक्ति आएगा, आई डोंट नो व्हाई दे आस्क एक्चुअली, बट आज के दिन भी सबसे पहला जो प्रश्न ये होता है कि जल्दी से ये बता दीजिए कि इनको लड़के का भी सुख है या नहीं है। अब लड़के का सुख आप लग्न चार्ट से नहीं बता सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि लड़के का सुख है या नहीं है। उसके लिए हम सप्तांश चार्ट की मदद लेंगे और आप देखेंगे सप्तांश चार्ट से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि कब होगा संतान, कब होगी, तो संतान कब होगी वो भी हम आंसर नहीं कर सकते लग्न चार्ट से, उसके लिए भी हमें सप्तांश चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी। सप्तांश चार्ट से आप देखेंगे बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं कि संतान कब होगी। अब एक पर्टिकुलर टाइम में संतान तो आपने कह दिया कि इस टाइम होगी, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम मेल होगा या फीमेल होगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो भी एक क्वेश्चन है जो कि हम लग्न चार्ट से नहीं बता सकते, तो उसके लिए भी हम सप्तांश चार्ट की मदद लेते हैं और ये हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। और क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर डिले हो रहा है या इवन डिले भी नहीं है तो सम पीपल दे गो फॉर अडॉप्शन आल्सो कि मैं अडॉप्ट करूंगा नहीं करूंगा चाइल्ड, मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो भी आप लग्न चार्ट से नहीं बता सकते, तो हम फिर उसका सप्तांश चार्ट की मदद लेते हैं। और आजकल पर्टिकुलरली ऐसा कुछ ट्रेंड हो गया है कि कुछ लोग संतान चाहते ही नहीं, सब कुछ ठीक है संतान का सुख मिलेगा लेकिन दे डोंट वांट एक्चुअली, और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड नहीं चाहता, कई बार होता है वाइफ नहीं चाहती संतान पैदा करना, जो तो सप्तांश चार्ट ये भी बता देगा आपको कि ऐसी कोई चीज है कि दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एक्चुअली एंड वेदर मेल डजंट वांट टू हैव और द फीमेल डजंट वांट टू हैव, तो वो भी हम क्वेश्चन ये सप्तांश चार्ट से आंसर कर सकते हैं। फिर कभी कभी डिले होता है प्रोजेनी में संतान होने में या डिनायल होता है तो हम ये भी पता लग जाता है कोई बीमारी तो कारण नहीं है, हस्बैंड या वाइफ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह संतान नहीं हो रही, तो ये पता लगाने के बाद देन वी यूज सम अल्टरनेट मींस जो भी IVF वगैरह होता है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में कई बार क्या होता है कि सब कुछ ठीक है एवरीथिंग इज फाइन बट कुछ सर्कमस्टांसिस में मदरहुड इज डिनाइड टू ए फीमेल,
मदरहुड इज डिनाइड टू ए फीमेल, कि वो कोई फीमेल एक मां नहीं बन सकती। तो उसका भी कॉम्बिनेशन हमें सप्तांश चार्ट में मिल जाएगा कि ऐसा कोई बात तो नहीं है कि दिस मदरहुड इज डिनाइड टू दिस फीमेल। और जब मदरहुड ऐसा पता लगता है कि संतान इसकी वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि मदरहुड शी कैन नॉट बिकम ए मदर एक्चुअली, तो फिर हम और भी जो भी अल्टरनेट मींस है, सरोगेसी वगैरह है, जो भी है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सप्तांश चार्ट जो भी डिटेल है संतान के बारे में वो आप देखेंगे कि हम सारी चीजें इससे मालूम कर सकते हैं। सप्तांश चार्ट अडॉप्शन अडॉप्टेड चाइल्ड से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। हाँ, वो तो अडॉप्टेड हो या कैसा भी हो, अगर बच्चा भी अडॉप्शन इज योर चाइल्ड ओनली, वो तो फिर उसका सुख मिलेगा नहीं मिलेगा बात वही है। और एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि जैसे कुछ लोग हो सकता पूछ सकते हैं कि नॉर्मल बच्चा होगा या कुछ तरह। हाँ, वो तो दैट यू कैन आंसर विद द लग्न चार्ट एक्चुअली, दैट यू विल सी कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि व्हिच इंडिकेट ये सर्जरी सी सेक्शन एक्चुअली, सीजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो दैट यू कैन आंसर, वो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बता दीजिएगा सर बाद में हमको। हाँ, वो जो हम डिस्कस करेंगे जब ये प्रोजेनिक का, देन वी विल सी। सर मास का भी प्लेसमेंट की वजह से कुछ। हाँ, मार्स वगैरह का जब अफ्लिक्शन होता है तो उस टाइम जो है वो सी सेक्शन या सीजेरियन होता है। फिर क्वेश्चन आता है फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ, सॉरी बीच में मार्स है और वो सैटर्न के साथ भी बैठा है ना किसी हाउस में, तब भी सी सेक्शन से, जैसे एक फीमेल का मैंने देखा तीन, आवाज नहीं आ रही अभी? हाँ, आ रही है। आ रही सर, मैंने एक केस देखा था उसमें एक खुद पहुंचे हुए मार्स जो सैटर्न के साथ था, तो तीनों ही बच्चे सर्जरी से फिर हमने राशि को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 9 इक्वल पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, हम सबको मालूम है, नवान चार्ट हम बोलते हैं इसको, T9 चार्ट हम बोलते हैं, कि हमने जो जोडियक को है, we have divided जोडियक into 108 equal parts, 108 पार्ट हो गए अब जोडियक के, और इससे हम बेसिकली दिस इज नोन एज मैरिज एनालिसिस चार्ट। मैरिज के बारे में हम सब डिटेल एग्जामिन करेंगे, और क्योंकि मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और इसमें हम देखेंगे सारे हाउसेस कवर हो जाते हैं, सारे प्लैनेट कवर हो जाते हैं, तो इसको हम एक जनरल फॉर्चून का चार्ट भी बोलते हैं, या एक कभी कभी कुछ लोग इसको एज ए लगन चार्ट भी हम यूज करते हैं। जैसे हम लगन चार्ट को देखते हैं तो ऐसे ही इस चार्ट को भी लोग देखते हैं, और ये आपने देखा होगा इसीलिए इस चार्ट को हमेशा हम लगन चार्ट के साथ बनाया ही जाता है। कहीं भी कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप हो, कोई भी हॉरोस्कोप हो, आप देखेंगे नवान चार्ट साथ में बना होता है। तो कई बार हम प्लैनेट की पोजिशन भी कंपेयर करते हैं कि एक प्लैनेट अगर लग्न में थोड़ा वीक है और नवांश में स्ट्रांग हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, या लग्न में स्ट्रांग है नवांश में वीक है तो वीक हो जाता है प्लैनेट। तो साइमल्टेनियसली हम उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करते रहते हैं, साइमल्टेनियसली हम उस चार्ट को एज ए लगन चार्ट भी यूज करते रहते हैं, क्योंकि मैरिज हो गया, फॉर्च्यून हो गया, और दूसरा होता है कि आपकी जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, रिलीजियस परस्यूट्स जिसको हम बोलते हैं, जो भी आपकी धार्मिक गतिविधियां हैं उसको भी हम इस चार्ट की मदद से देखते हैं। तो जब मैरिज की बात हुई तो हम लोगों ने देखा था कि मैरिज के लिए हमें बहुत सारे हाउसेस को एग्जामिन करना पड़ता है, फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस है, एट्थ हाउस है और ट्वेल्थ हाउस है, इन सबको एग्जामिन करेंगे जब मैरिज की बात होगी, इन सबके लॉर्ड को देखेंगे, इन सब के कारक को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम D9 चार्ट या नवान चार्ट को एग्जामिन करेंगे।
मैरिज के कारक हमें पता ही है कि फीमेल के लिए जुपिटर है और मेल के लिए मार्स, सॉरी वीनस है, और सेक्स का कारक जो है वो मेल में वीनस है और फीमेल में मार्स है। तो इन सब को एग्जामिन करने के बाद देन वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द मैरिटल लाइफ पर्सन, और उसके बारे में मैरिज के बारे में कोई ऐसा सेपरेशन डाइवोर्स कभी कभी बिना किसी बात के सडनली एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ऐसा कोई टाइम तो नहीं है। तो जितने भी जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैरिज के बारे में वो हम ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ नवाज चार्ट। उसके बाद हमने राशि को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री, और वी कैन से वी हैव डिवाइडेड जोडियक इनटू 120 इक्वल पार्ट्स, और इसको हम कहते हैं दशांश चार्ट या D10 चार्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि ये बेसिकली हमारा प्रोफेशन या करियर एनालिसिस चार्ट है, तो प्रोफेशन के बारे में हम इस चार्ट से एग्जामिन करते हैं। और जब प्रोफेशन की बात होती है तो नेचुरली 10th हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th हाउस को एग्जामिन करेंगे और जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, सैटर्न मर्करी सन एंड जुपिटर, सैटर्न मर्करी सन एंड जुपिटर, सैटर्न मर्करी जुपिटर एंड सन। अगर इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले सैटर्न का रोल, क्योंकि सैटर्न आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप काम करो, बिना सैटर्न की ब्लेसिंग के आप काम नहीं करते हैं। फिर हम कर्म में इंटेलिजेंस का इन्वॉल्व करते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है हमारी। देन वी टॉक अबाउट प्रोस्पेरिटी की, जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें फल भी मिलना चाहिए, पैसे वैसे मिलने चाहिए। और फिर लास्ट में जो है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी प्रोफेशन, कि वी शुड गेट सम नेम फेम एंड ऑल, या तो वो सन का रोल हो जाता है उसमें। तो उन सब कारक को हम एग्जामिन करेंगे और उसके बाद हम जो भी प्रोफेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम एग्जामिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ D10 चार्ट। और D10 चार्ट जैसे कहा, प्रोफेशन तो है ही, बट प्रोफेशन से कनेक्टेड जो भी है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, फेमस, एप्रिसिएशन, सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटीज, जो सारी चीजें हम जो है वो भी इसी चार्ट से एग्जामिन करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि